नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के कक्षा 1 की हिंदी भाषा की पुस्तक रिमझिम के पाठ 9 बंदर और गिलहरी के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ बंदर और गिलहरी एक ऐसा पाठ है जो बंदर और गिलहरी की उछल कूद की क्रिया पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें छात्रों की उपस्थिति दर्ज कराने का एक अनोखा तरीका अपनाया गया है, जिसमें पाठ से जुड़े हुए शब्दों, वाक्यों, चित्रों और अंकों को रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिससे कि पाठ को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर ना बोलकर पाठ से जुड़े हुए वर्णों की ध्वनियां, जानवरों के नाम और जानवरों के भोजन व विशेषण आदि का प्रयोग करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 15 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत इस गतिविधि को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षक कुछ फ्लैश कार्ड तैयार करते हैं, जैसे बंदर, बिल्ली, शेर, गधा, गिलहरी इत्यादि के। शिक्षक यह भी ध्यान रखते हैं कि कुछ निर्देशों का पालन करना है। जैसे शिक्षक ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो थीम निर्धारित की गई है वह पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को क्रमानुसार लेंगे। छात्र भी कक्षा में शांति और अनुशासन को बनाए रखते हैं। पुनः अध्ययन व इसके क्रियान्वयन के अंतर्गत नवाचार के माध्यम से शिक्षक वर्णों की ध्वनियाँ, जानवरों के नाम व उनके भोजन व विशेषण आदि की पुनरावृत्ति को कराते हैं। आइए अब समझते हैं कि इस नवाचार को किस प्रकार से लागू किया जाता है। शिक्षक सबसे पहले छात्रों को कुछ बातें बताते हैं, जैसे वो बताते हैं कि आज रोल नंबर के स्थान पर हम पाठ से जुड़े हुए नाम को बोलेंगे और शिक्षक उनमें से छात्र के रोल नंबर बोलते हैं। जैसे शिक्षक बोलेंगे अनुक्रमांक 1, तब अनुक्रमांक 1 अपने स्थान पर खड़ा होगा और अपने अनुक्रमांक के स्थान पर किसी जानवर का नाम जैसे बंदर बोलेगा और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएगा। ठीक इसी प्रकार दूसरा अनुक्रमांक वाला छात्र या तो उसका नाम बोला जाएगा, तब वह अपने स्थान पर खड़ा होगा और शिक्षक जैसे कि बोलते हैं अनुक्रमांक 2, तब अनुक्रमांक 2 शेर बोलेगा। साथ ही वह यह भी बताएगा कि शेर दहाड़ता है, यह इसकी विशेषता है। इस प्रकार शिक्षक एक एक कर सभी छात्रों को बुलाते हैं और छात्र कहीं पर केवल जो है संज्ञा शब्द बोलते हैं, कहीं ध्वनियां बोलते हैं, कहीं जानवरों से जुड़े भोजन और उनकी विशेषताओं को बताते हैं और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। इस प्रकार शिक्षक अपने आसपास मौजूद वस्तुओं व पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर बंदर और गिलहरी पाठ का पुनः अध्ययन करा लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो कहा जा सकता है कि थीम आधारित उपस्थिति सीखने के अनेक प्रतिफल प्रदान करता है। जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा व स्कूली भाषा की सहायता से बातचीत करना, प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना, अपना तर्क देना इत्यादि। साथ ही वर्णमाला, अक्षर, समान ध्वनियों वाले शब्दों व को पहचानना, उनको पढ़ना और लिखने के साथ साथ अभिव्यक्त करने की क्षमता को भी छात्र विकसित करते हैं। थीम आधारित उपस्थिति से छात्रों में उत्सुकता का भाव पैदा होता है तथा छात्रों में समान अवसर भी प्राप्त होते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ विकसित होती है। साथ ही साथ पाठ बंदर और गिलहरी को शिक्षक एक निर्धारित माह में पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ साथ पारस्परिक संबंधों का विकास होता है और इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। तो कहा जा सकता है कि यह नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है।
यह नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना न भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।